वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है तो मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के गोलू का मोड़ पिंड तो आया हाँ। तो मैं गज के पहला तो फतेह बुलाया जी, वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। मैनू पहला शिमला दे विच गिरफ़्तार कर लिया गया सीगा जी, एक साड़ी अंदोलन लैके असी उत्थे प्रचार कर ली गए सीगे। सात संगत जी, वो मिनट मैं सिर्फ तीन चार ही लाने हैं तो ध्यान नाल सुन लियो। कुछ मैं नुकते थानू दसने हैं कि सानू ये सरकारां किवें एक टेक्नीक नाल गुलाम बना रही हैं तो किवें सादा ये शोषण कर रही हैं। जे तुसी सुन लोगे तो मे भी ये थानू अगे जा के कोई अपनों फायदा हो जाए। ये जिहड़ियां सरकारां जिवें पहलां सानू गुलाम बनाया जांदा सीगा बंदूकां नाल, सानू जोर जबरदस्ती नाल गुलाम बनाया जांदा सी, हुण एक नवां तरीका आ गया है। वो तरीका हैगा सानू मानसिक तौर पर गुलाम बनाउण दा। वो है कि ये प्रचार इस तरीके नाल करदे है कि असी उन्हां दीआं गल्लां नू सच मान लैंदे हां। जिवें कि मैं थानू दसदा हां किद्दां, जिवें सानू ये प्रचार किया जांदा है कि जिहड़ा बंदा इंग्लिश बोलदा है, इंग्लिश कपड़े पाउंदा है, इंग्लिश उहदा खाण पान है, वह सुपीरियर है, वह ज़्यादा पढ़िया लिखिया है, वह इंटेक्चुअल है। ये साडे घरां विच असी आम तौर पर कहने हैं जी वह इंग्लिश बोलता जी, वह बहुत सुलझिया तो समझदार है, पर इस गल दे विच बिल्कुल सच्चाई नहीं गी। क्योंकि जदों साडे बजुर्ग पहला पंजाबी बोलते सी ते धर्म नाल जुड़े हुए सी, उदों ये ज़्यादा सूझवान, ज़्यादा योधे, तो ज़्यादा ये बुराइयां तो जड़ियां तो बचे हुए सीगे ते सच्चे सुच्चे सीगे। पर अज ये गल सानू जचा दिती गई है कि जे साडा बच्चा कॉन्वेंट च नहीं पढ़ता ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 1830 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟ ਕੈਲਫਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। उदों पंजाब ते भारत देश दोवें अलग अलग देश सीगे, पंजाब एक अलग देश सीगा। उन्हें आके इत्थे जदों देखिया कि अपने लोग सारे पढ़े हुए सी ते चंगे किरदार दे सीगे, तां उन्हें जाके ब्रिटिश सरकार नूं कहा कि जे तुसीं पंजाब देश नूं गुलाम करना चाहुंदे हो तां पहलां इन्हां दी पढ़ाई खत्म करो। तां उहनूं इह इक टास्क दित्ता गया कि तुसीं पढ़ाई खत्म करो। ते मिटकैल्फ ने एक बंदा भेजिया जी डबल्यू लैटर नां दा, उन्हें कहा कि असी ये जिहड़ी पढ़ाई इन्हां दी 50 सालां च खत्म कर देंगे। पर उन्हें वीरो 33 सालां दे विच अपना काम पूरा किया। वह एक पिंड का नाम भी लेंदे आ चूड़ चक, जिहड़ा हुण पाकिस्तान दे विच है, उत्थे 1500 बंदे पढ़े हुए सी, 33 सालां बाद उत्थे सिर्फ 11 बंदे रह गए जिहड़े पढ़े हुए सीगे। सो इदां सानू ये तरीके नाल गुलाम कर रहे ने ते साडा जिहड़ा ढांचा उह खराब कर रहे ने। साडे पाणी भी एक सोची समझी साज़िश दे तहत खराब किए जा रहे हैं। असी सारे जानते हैं कि साडे पहलां असी कितें भी नलका गेड़ के पानी पी लेंदे सी, पर अज सानू थां थां ते जाके मुल पानी दीआं बोतलां लैके असी पानी पीने हैं। सो वीरो हुण ये जागण दा समां है, क्योंकि जे असी हुण ना जागे तो आने वाले वक्त दे विच सानू जिहड़ियां साडियां आने वाली जनरेशनस ने वह कदे माफ़ नहीं करनगियां। हुण मैं आना तीन काले कानूनां ते लैके, ये जिहड़े तीन काले कानून है ये इलीगल तरीके नाल पास किए गए है। जिवें कि आपां सारे जाणदे आ, साडे मनोचिंतक भी कहिंदे है जे कोई गल छुपाई जांदी है उह ठीक नहीं हुंदी। इन्हां ने भी चोरी चुपके ये जिहड़े तीन काले कानून पास किए आ, इन्हां दी कोई पार्लीमेंट ते राज्य सभा विच कोई चर्चा नहीं होई। सो सानू हुण जागण दा समां, घरां विचों निकलण दा समां, छोटियां छोटियां सी गल्लां च नहीं पैणा। क्योंकि कई बार साढ़े घरां दे विच भी माड़े मोटे परिवार दे विच साढ़े नाल मन मुटाव हो जाते हैं, पर असी जथेबंदियों का साथ देना है। जथेबंदियां साढ़े करके ही इत्थे बैठिया, उन्होंने को अपने पुत DSP नहीं लाने। तो मैं एक होर भी एक थोड़े नाल अहम जरूरी गल कर देना चाहना कि इन्होंने राजनीतिक बंदियां ने पिंडां च फिर आना है, इन्होंने सानू जात पात के नाते लड़ाउणा है। किसी ने आपां भी घरां च वेख के लालचवस हो जाने कि साडी कम्युनिटी का बंदा है, ये साडा अकाली दल का, ये साडा BJP का, ये कांग्रेस का, ये आपदा है। असी बंदे नहीं देखने, असी कुछ भी नहीं देखना, असी देखना किहड़ा चंगे किरदार का बंदा है, उहनू वोट पाओ। चंगे बंदे चुड़ के आउणगे तां इहो जिहे कटिया फैसले नहीं होणगे जिहड़े तीन काले कानून इन्हां ने पास किए है। जिन्हें भी BJP ने अज तक कानून पास किए आ, साडे देशवासी नूं कोई फायदा नहीं होया। चाहे वह GST सी, तारा 370 और इन्होंने बहुत सारे कानून पास किए, वह सारे ही बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। तो जिहड़े तीन काले कानून है यूरोप पहले ही पास हो चुके हैं,
अमरीका ते यूरोप विच अपने सारे दे रिश्तेदार रहिंदे है, उत्थे भी किसानां दी तरसयोग हालत है, उत्थे भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। सो वीरो एक तीन काले कानूनां नूं लैके असी एकजुट रहना है, जदों तक ये तीन काले कानून पास नहीं होंगे असी इत्थे डटे रहना है, चाहे सानू थोड़ा बहुत घरां विच पिंडां च नुकसान हुंदा हो जाए, क्योंकि वड्डे फायदे लई छोटा नुकसान करवाउणा पैंदा है। सो मेरिया इन बेनतियां प्रवान करनिया, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन हरप्रीत सिंह जी फिरोजपुर तों।